एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील झा। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। शारदा चिटफंड घोटाले में ममता बनर्जी पार्टी का एक और सांसद गिरफ्तार हुआ है। इस केस में आज पुलिस ने टीएमसी सांसद संजय बोस को गिरफ्तार किया। इससे पहले टीएमसी सांसद कृणाल घोष चिटफंड केस में गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय पर आपराधिक साजिश और पैसे की हेराफेरी का आरोप लगा है। पहले कृणाल घोष और अब संजय बोस, टीएमसी के दो सांसद सीबीआई की गिरफ्त में। ये वो दो सांसद हैं टीएमसी यानी ममता बनर्जी की पार्टी के जिन पर आरोप लगे। एबीपी न्यूज संवाददाता विजेंद्र सिंह जुड़े हैं हमारे साथ। विजेंद्र, ये पूरा मामला क्या है, गिरफ्तारी क्यों हुई और आरोप क्या है? देखिए, आरोप इन पे यही है कि इन्होंने गलत तरीके से फायदा लिया शारदा कंपनी से और कॉन्स्पिरेसी की शारदा ग्रुप के चेयरमैन जो थे सुलचोसन के साथ मिलकर के, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भी आरोप इनके ऊपर लग रहा है। और जो राज्य सरकार ने एफिडेविट जमा दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी राज्य सरकार ने माना था कि 20 करोड़ रुपया शारदा ग्रुप से प्रतिदिन को मिला था, जिसके मालिक हैं संजय बोस, और ये 60 लाख रुपया महीना इनको दिया जाता था। उस वक्त भी कोर्ट में सवाल उठे थे कि ये पैसे क्यों दिए जा रहे थे, क्योंकि इन्हीं के अखबार में पहले शारदा ग्रुप के खिलाफ लिखा जा रहा था, और बाद में जब इनके साथ टाई अप हुआ शारदा के साथ, तो फिर रिश्ते अच्छे हो गए और ब्रांडिंग होने लगी उसके उसी कंपनी के साथ। और अलग अलग समय पर इन्होंने पैसे लिए हैं सुदीप्तो सेन से, ये सुदीप्तो सेन ने बार बार सीबीआई को बताया है। इसके पहले कुणाल घोष, जो कि संजय बोस के अखबार में काम करते थे, उन्होंने भी ये दावा किया था कि जो पैसे लिए गए थे वो संजय बोस तक जाते थे। तो और इस गिरफ्तारी के राजनीतिक मायने क्या है? जी, टीएमसी के लिए काफी खराब खबर है ये, क्योंकि एक सांसद जेल में है जिनको उन्होंने सस्पेंड किया हुआ है, और ये सांसद जिनको अभी कल तक ममता बनर्जी सर्टिफिकेट दे रही थी वो आज अरेस्ट हो गए हैं। अब देखना होगा कि टीएमसी इनके खिलाफ क्या कदम उठाती है। जी शुक्रिया बहुत बहुत आपका। कौन है संजय बोस वो बता रहे हैं आपको, 38 साल के संजय बोस, पेशे से पत्रकार हैं, और पहले कृणाल घोष और अब संजय बोस, ये दो गिरफ्तारी हुई हैं। दोनों ही सांसद हैं, ममता की पार्टी तृणमूल के राज्यसभा सांसद हैं। संजय बोस पेशे से पत्रकार, प्रतिदिन नाम के अखबार निकालते रहे हैं वो, और 38 साल के पेशे से पत्रकार, और इसके पहले भी एक गिरफ्तारी हुई थी कृणाल घोष की। कृणाल घोष पर पूरा विवाद क्या है वो देखिए। गरीबों की मदद की खातिर मां शारदा के सिद्धांतों पर चलने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में चिटफंड कंपनी बनी थी शारदा। 2 का 4, 4 का 8 करने का सपना दिखाकर गरीब और साधारण लोगों से शारदा ने वसूले करीब 4,000 करोड़ रुपए। कंपनी तो कुछ ही साल में अरबों खरबों की हो गई, पर 17 लाख निवेशक कंगाल बन गए। चिटफंड घोटालों के इतिहास के सबसे बड़े घोटालों में से एक है शारदा चिटफंड घोटाला। इस घोटाले के दो सबसे बड़े चेहरे हैं। पहला सुदीप्तो सेन, सुदीप्तो कंपनी का मालिक हुआ करता था, इस समय ये जेल में है और इसकी कंपनी दिवालिया बन चुकी है। घोटाले का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है राज्यसभा सांसद कृणाल घोष। कौन है कृणाल घोष, कहां कहां तक जुड़े हैं इनके तार, ये जानने से पहले आइए हम देखते हैं आखिर कृणाल की खुदकुशी की कोशिश से क्यों मची हुई है खलबली। शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी तृणमूल कांग्रेस से निलंबित सांसद कृणाल घोष ने शुक्रवार को कोलकाता के प्रेसिडेंसी जेल में खुदकुशी की कोशिश की। खबर आई कि घोष ने 58 नींद की गोलियां खा ली। कृणाल ने 9 नवंबर को सीबीआई पर आरोप लगाते हुए ओपन कोर्ट में खुदकुशी की धमकी दी थी। घोष ने आरोप लगाया था कि कुछ बड़े लोगों को बचाने के लिए उन्हें फंसाया जा रहा है और असली मुजरिम अब भी खुले घूम रहे हैं, इसीलिए वो ज्यादा जीना नहीं चाहते। कृणाल घोष खुद अदालत में जाके कह रहे हैं कि हमारे लॉयर जो है वो लीगल बात करे, लेकिन हम राजनीति के बाद कुछ हम खुद करना चाहते हैं, और अदालत में वो बयान दिए हैं कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे लोग पैसा लिए हैं, क्यों सीबीआई अभी तक उन लोगों के बारे में कोई कदम अभी तक नहीं उठाया और क्यों अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है। तो कृणाल अभी एक विक्टिम स्टेटस, वो खुद अदालत में थ्रेटन किया था कि हम सुइसाइड कर सकते हैं, और वही अभी वही घटना घटी। शारदा समूह के दिवालिया होने से पहले शारदा समूह के मालिक सुदीप्त सेन ने सीबीआई को तृणमूल सांसद कृणाल घोष के खिलाफ गंभीर आरोपों के साथ एक चिट्ठी लिखी। सेन ने लिखा कि उन्होंने कई नेताओं को भारी रकम दी है। इसके बाद तो शारदा के साथ कृणाल घोष की कामयाबी का किला भी ढहता चला गया।
और अब इस मामले में एक और सांसद की गिरफ्तारी हुई है। क्या है शारदा घोटाला, कितने लोग इस घोटाले का शिकार बने और कौन है इस घोटाले के पीछे, देखते हैं हम इस रिपोर्ट में। शारदा घोटाला यूं तो करीब 3,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी ये घोटाला और बड़ा होता जाएगा। इस घोटाले को पोंजी स्कीम की आड़ में अंजाम दिया गया। आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए कि आखिर ये पोंजी स्कीम क्या होती है। घोटालेबाज आपका पैसा कहीं नहीं लगाते, लेकिन रिटर्न जरूर देते हैं। पुराने निवेशकों का रिटर्न देने के लिए नए निवेशकों का पैसा इस्तेमाल करते हैं। हालात तब बिगड़ते हैं जब पुराने निवेशकों की संख्या नए निवेशकों से ज्यादा हो जाती है। शारदा चिटफंड ने ऐसा ही किया, यानी पुराने निवेशकों से पैसे लेती रही और नए निवेशकों को रिटर्न देती रही, लेकिन मुश्किल तब हुई जब पुराने निवेशकों की संख्या काफी बढ़ गई। इसके अलावा शारदा चिटफंड ने नियमों की अनदेखी करते हुए बिना सेबी की इजाजत के बाजार से पैसा लेना शुरू कर दिया। एजेंट के जरिए पैसा जुटाने का काम शुरू किया गया। एजेंट को इसके लिए 25-40% का कमीशन दिया गया। सेबी को धोखा देने के लिए 2009 में 200 छोटी कंपनियां बनाई गई। ये घोटाला साल 2008 से 2013 तक चला। एक अनुमान के मुताबिक इस घोटाले में करीब 17 लाख लोगों ने अपनी खून पसीने की गाढ़ी कमाई गंवा दी। लोगों की कमाई को साफ करने के लिए शारदा के करीब 2,20,000 एजेंट बाजार में घूम रहे थे। शारदा का जाल ज्यादातर पश्चिम बंगाल में और इसके अलावा ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड में फैला था। यह ऐसा घोटाला है कि इसका कच्चा चिट्ठा सामने लाने के लिए कई एजेंसियां जांच में लगी हैं। सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और एसएफआईओ यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस और राज्य सरकारें भी जाँच करवा रही हैं। शारदा घोटाले का मुख्य आरोपी है शारदा ग्रुप का प्रमुख सुदीप सेन गुप्ता। सुदीप सेन को अप्रैल 2013 में गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा देवयानी मुखर्जी भी इस घोटाले की आरोपी हैं। देवयानी मुखर्जी एयर होस्टेस रह चुकी हैं और साल 2010 में शारदा ग्रुप से जुड़ी, लेकिन बड़ी तेज रफ्तार से देवयानी शारदा ग्रुप में तरक्की की सीढ़ियां चढ़ती गयी और बहुत जल्दी ग्रुप में नंबर 2 पर पहुंच गयी। देवयानी को भी सुदीप के साथ अप्रैल 2013 में गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा प्रमुख आरोपियों में टीएमसी सांसद कुणाल घोष का भी नाम है। कुणाल घोष शारदा ग्रुप में शारदा मीडिया के प्रमुख थे। इन्हें नवंबर 2013 में गिरफ्तार किया गया। शारदा घोटाले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें प्रमुख हैं सज्जन अग्रवाल जो कोलकाता के कारोबारी हैं और इनके कई बड़े नेताओं से संबंध बताए जाते हैं। इसके अलावा संधीर अग्रवाल जो कोलकाता के कारोबारी हैं और सज्जन अग्रवाल के बेटे हैं, इन्हें 24 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया गया। देवव्रत नीतू सरकार ये कोलकाता की बड़ी हस्तियों में शुमार है। ईस्ट बंगाल क्लब के अधिकारी हैं और इनके बड़े कांग्रेस नेता से करीबी रिश्ते बताए जाते हैं। इन्हें 20 अगस्त 2014 को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा असमिया गायक सदानंद गोगोई को भी 13 सितंबर 2014 को गिरफ्तार किया गया। कई नाम हैं जो शारदा चिटफंड घोटाले से जुड़े। एक नाम है मदन मित्रा का जो पश्चिम बंगाल के ट्रांसपोर्ट मंत्री और शारदा कर्मचारी संघ के प्रमुख भी रहे। श्रीनजॉय बोस जो टीएमसी के राज्यसभा सांसद हैं और शारदा ग्रुप के मीडिया ऑपरेशन से जुड़े रहे। श्यामपदा मुखर्जी जो पश्चिम बंगाल के कपड़ा मंत्री हैं, आरोप है कि सुदीप सेन ने इनकी सीमेंट फैक्ट्री खरीदी। इसके अलावा अभिनेता और टीएमसी के राज्यसभा सांसद मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी इस घोटाले से जुड़ा। आरोप है कि ये शारदा ग्रुप के चैनल 10 के शो में आए। ईडी ने मिथुन से पूछताछ भी की, हालांकि मिथुन ने शारदा ग्रुप से किसी तरह के संबंध से इनकार किया है। और ऐसे में जाहिर है कि अब दबाव ममता बनर्जी पर राजनीतिक तौर से और बढ़ जाएगा।